सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक को दबाइए, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और आप मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। तो इस ग्रुप पे मैं आपको बताऊंगा जब भी मार्केट ओपन होगा, मार्केट आवर्स के अंदर मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जिस पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो अभी आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जाकर डाउनलोड करिए और इस लिंक को दबा के मेरे चैनल पर तुरंत ऐड हो जाइए। अभी कुल 1000 पीपल्स ऐड हो चुके हैं और भी ऐड हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। हे गाइस, स्वागत है आपको इंट्राडे गाइड पे और मैं हूँ आपका दोस्त शिवांज मसीन। तो आज हम बात करेंगे कि 3 मई को निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करके चल रहा है, कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं, आज कौन से स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म करा था। जो मैंने आपको बताए थे वो 5 स्टॉक जो बाय और सेल साइड में थे। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इससे पहले आपको वो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक शो करा होगा तो अभी भी आप इस वीडियो को पॉज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस चैनल के लिंक को दबा दीजिए और जिससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पे ऐड हो पाएंगे। अभी मैंने कल ये अपडेट दिया है और अभी अभी 600-700 लोग ऐड हो चुके हैं और मैं कल से ही उन्हें कॉल्स देना शुरू कर दूंगा ट्रायल पर्पज से। 12 मई तक मैं उन्हें कॉल्स दूंगा, 12 मई के बाद से मेरी पेड सर्विस शुरू हो जाएगी। मैं उसी के लिए लगा हुआ हूँ, एक ऐप अपना अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना एक ऐप प्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसकी वजह से उस ऐप के थ्रू, अगर मैं आपको बताऊँ तो उस ऐप के थ्रू अगर आप उस ऐप में विजिट करते हैं और आप अगर उस ऐप का मेंबर बन जाते हैं, मेंबर बनने के लिए भी आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ आपको उस ऐप में रजिस्टर करना पड़ेगा। उस ऐप में रजिस्टर करने के बाद मंडे टू फ्राइडे 5 दिन मार्केट खुलता है तो 5 दिन के हिसाब से आपके स्टॉक स्पेसिफिक इसके हिसाब से 150 रुपीज़ चले जाएंगे, या भी जो भी मैं रेट डिसाइड करूंगा 30 या 50 रुपीज़ के बीच में। तो 150 या जो भी रेट डिसाइड होगा उस 5 दिन के हिसाब से मल्टीप्लाई करके चले जाएंगे एक दिन के हिसाब से, और जो जो उसमें मेंबर बनेंगे वो मेंबर सिर्फ पेड सर्विस ही उठा सकते हैं। जो मेंबर नहीं होंगे वो मेंबर सिर्फ वहाँ की वीडियोज़ जो यूट्यूब वीडियोज़ में डालता हूँ उसे इंजॉय कर सकते हैं, और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ मार्केट के ऊपर आती है, वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर आती है या सर्टेन स्टॉक्स के ऊपर आती है वो न्यूज़ आप उसमें देख सकते हैं। बिल्कुल आप समझ लीजिए कि मनी कंट्रोल जैसा मैं ही एक ऐप डेवलप करवा रहा हूँ, उसके थ्रू आप सारा काम कर सकते हैं और मेरे से काम करवा सकते हैं। तो अभी आप जाके चैनल टेलीग्राम चैनल पर जाके सबसे पहले मेरे चैनल को ऐड करिए, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल का ऐप को डाउनलोड नहीं करा तो जाके डाउनलोड ज़रूर करिए। तो आज की बात करें तो आज कौन से स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे, तो L&T बताया था, सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी बताया था, हिंदुस्तान सिंह बताया था, ग्लेनमार्क और बलरामपुर चीनी बताया था। तो ये 5 स्टॉक्स की बात करते हैं। तो पहले स्टॉक की बात करते हैं लार्सन एंड ट्यूबो। तो हमने बताया था मैंने आपको कि स्टॉक का मोमेंटम चार्ट पैटर्न में ऊपर है और अगर शायद इसमें कोई न्यूज़ आ रही है, अगर पॉजिटिव आती है तो और ऊपर के लेवल्स देख पाएंगे, नेगेटिव आती है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि न्यूज़ भी पॉजिटिव ही आई थी, उसकी वजह से हमने स्टॉक को और ऊपर चलते हुए देखा और हमारे टारगेट्स अचीव हो गए। तो दूसरे स्टॉक की बात करते हैं सिंटेक्स प्लास्टिक के बारे में, तो हमारा सिर्फ पहला टारगेट अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट तक ये नहीं पहुँच पाया, और होप अगर आपको इसमें ट्रेड करा हो तो आपको पहले टारगेट तो मिल गया होगा। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो हम देख सकते हैं कि हिंदुस्तान जिंक ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करा के दिया, दोनों टारगेट्स हमें अचीव होते हुए दिख गए और नीचे के लेवल्स बनते हुए दिख गए। ग्लेनमार्क की बात करें तो ग्लेनमार्क में हमने देखा था कि न्यूज़ आई थी तो रिजल्ट के थ्रू हमने देखा था कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो गई और इसकी वजह से इसने अपना ओपन हाई ई बिल्कुल सेम बनाया, तो आप वहाँ से ट्रेड कर ही नहीं चुके होंगे क्योंकि जब ये स्टॉक ओपन हुआ था तो हमारे जो भी इसके स्टॉप लॉस थे उसको हिट कर दिया था और आपने इसमें ट्रेड नहीं लिया होगा, और होप अगर आपने इसमें ट्रेड लिया होगा तो आपको लिमिटेड लॉस हुआ होगा स्टॉप लॉस लगाने की वजह से। बलरामपुर चीनी की बात करें तो हमने इसमें भी देखा कि पहला टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद जब ये न्यूज़ सामने आई, न्यूज़ वालों ने इसको सामने रखा तो हमने देखा कि मार्केट बंद होते होते इंट्राडे में भी सारे शुगर सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आ गई और लोग अपने प्रॉफिट को बुक करके चले गए हैं,
तो कल भी मैंने आपको अवध शुगर में ही बाय करने की सलाह दी थी और आज भी मैंने सलाह दी थी। कल तो हमें दोनों टारगेट्स और ऊपर के लेवल्स भी अचीव हो गए थे और आज हमें पहला टारगेट अचीव हो गया था। और अगर आपने सेल ऑफ के साथ चल गए होंगे तो आप यहाँ से एग्जिट कर चुके होंगे। तो अब कल कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं, कल ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से हमारी मार्केट एक वॉलेटाइल मार्केट बन सकती है, क्या डिसीजंस है, वो सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो क्लियरली वॉच करिए क्योंकि कल एक बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, तो क्या हो सकता है, पूरे ट्रेड को समझ के ही अपना ट्रेड लीजिएगा। तो वेदांता, फ्यूचर रिटेल, LIC हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया सीमेंट, मदरसन सुमी, ये पांच स्टॉक्स मैं आपके लिए चुन के लाया हूँ। मैंने एक नया इंडिकेटर को स्टडी करा है, बहुत ये कॉमन इंडिकेटर है वो मैं आप ये अगर स्टडी कल यूजफुल रहती है तो मैं आपको इस इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा। तो इस इंडिकेटर के मुकाबले ये मैंने स्टॉक्स आपके लिए चुन के लाया हूँ। तो इसमें सजेस्ट करता हूँ, वेदांता सेल करने की सलाह दी जाएगी 280-274 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 288 का लगा के चलना होगा। फ्यूचर रिटेल बाय करने की सलाह दी जाएगी, हमने इसमें देखा था कि बहुत तेजी से इसमें हमने गिरावट आते हुए देखी थी, पर आखिरी के आधे घंटे के अंदर हमने इसमें 40 पॉइंट्स तक की रिकवरी देखी है और शायद ये और ऊपर जा सकता है। तो 608 का लेवल एक क्रूशियल लेवल है, उसे अगर इसने क्रॉस कर देता है तो 621 तक के लेवल्स भी हम कल के इंट्राडे सेशन में देख सकते हैं। 592 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस को बाय करने की सलाह दी जाएगी 540-544 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 533.70 का लगा के चलना है। तो हमने देखा था कि आज जो भी स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे यार ग्रीन निशान में थे। हमने देखा जब मार्केट में सेल ऑफ आया तो वो सारे रेड निशान में चले गए, रेड साइन में चले गए, और उसके बाद से हम उसमें उसी टेरिटरी में ये ट्रेड कर रहे थे। पर हम कह नहीं सकते कि ये अब नेगेटिव हो गया, अब इन्हें सेल करना चाहिए। अभी भी इसमें मोमेंटम है, अपने ये सपोर्ट के पास खड़े हुए हैं तो यहाँ से ये लोग मोमेंटम दे सकते हैं, इसलिए मैं आपको बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। इंडिया सीमेंट भी बाय करने की सलाह दी जाएगी 145-148 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 140.80 का लगा के चलना होगा। मदरसन सुमी सेल करने की सलाह दी जाएगी, ये एक रेंज में अटक गया है। इस रेंज में अटकने का मतलब ये हम कह सकते हैं कि अब जो इसने क्लोजिंग दी है उस सपोर्ट पे दिया है कि यहाँ से ये बाउंस बैक भी दे सकता है और गिरना चाहे तो बहुत अच्छे लेवल्स पे गिर सकता है। तो अब मैं बताऊं, अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होता है तो जो मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया 355 इसका पहला टारगेट हो सकता है और 358 इसका दूसरा टारगेट बन सकता है। पर मुझे लग रहा है चार्ट स्ट्रक्चर भी बता रहा है कि वीक काउंटर है और नीचे जा सकता है, और अगर ये नीचे जाता है तो 347-342 के टारगेट्स भी हम कल के ट्रेडे में देख सकते हैं। तो इस स्टॉक को वॉच करिए कि ये कौन सी दिशा में जा रहा है, उसी हिसाब से आप अपना ट्रेड लीजिए। दोनों के हिसाब से मैंने आपको टारगेट और स्टॉप लॉस सजेस्ट कर दिए हैं, और अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ता है तो पहला टारगेट जो आपको 347 शो कर रहा है वही आपका स्टॉप लॉस मेंटेन हो जाएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो हमें पता है कि कल यूएस फेड की मीटिंग है और यूएस फेड की मीटिंग में हम देख सकते हैं कि रेट हाइक्स तो होंगे नहीं, पर उनकी जो टॉक होगी वो हमें देखनी है कि वो कैसी बात करेंगे, क्या बात करेंगे, कि दो ही इंटरेस्ट रेट आने वाले इस साल के अंदर इंक्रीज हो सकती है या वो दो से ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। तो उनकी कमेंट्री हॉकिश निकली तो हम कह सकते हैं कि हमारी मार्केट गिर सकती है, और जब मार्केट ओपन होगी तो सबसे पहले एशियन मार्केट ही इसमें रिएक्ट करेगा। यूएस मार्केट अभी खुला हुआ है तो वो भी शायद रिएक्ट कर सकता है बंद होने के टाइम पे। तो दोनों की हमें क्लोजिंग देखनी है कि यूएस की मार्केट कितने में क्लोज होती है, डाउन साइड में क्लोज होती है तो शायद हमारी मार्केट पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, और अगर कल यूएस फेड में नेगेटिव कोई कमेंट्री आती है तो हमारी मार्केट एक सेल ऑफ में जा सकती है। और जो मैंने आपको एक क्रूशियल लेवल बताया कि 25,400 का है, उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए वरना उसके आसपास जाके ही क्लोजिंग दे तो बढ़िया होगा। तो अब बात करते हैं कि एशियन मार्केट भी अगर इसमें भागीदारी रहता है और नीचे के लेवल्स में खुलता है तो हम कह सकते हैं हमारी मार्केट जा सकती है नीचे। पर अगर हम बात करें तो आज मिड कैप में हमने देखा था कि 200 पॉइंट्स तक की सेल ऑफ आते हुए देखी है, हम कह सकते हैं ये कोई करेक्शन नहीं है, बस इतने टाइम्स की जो हमने ऊपर के लेवल्स बनते हुए देखे हैं मार्केट थोड़ा सा हल्का हुआ है, और ये यूएस फेड का जो टेंशन लगी हुई थी बस उसके हिसाब से ही था। अगर कल मार्केट में और अगर यूएस फेड की मीटिंग जो होती है कमेंट्री में कोई भी हॉकिश नहीं आती है, पॉजिटिव ही रहता है या न्यूट्रल रहता है, तो हमारी मार्केट और ऊपर के लेवल्स दिखा सकती है। तो मैंने आपके लिए अभी भी एक रेंज बना के रखी हुई है जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी, इसी रेंज के हिसाब से चलिए। इसलिए मैं आपको नो ऑप्शन स्ट्रैटेजी सजेस्ट नहीं कर रहा कि कल ऊपर की तरफ बनाइए लेवल्स या नीचे की तरफ बनाइए। अगर आपको यही सजेस्ट करूंगा कि
अगर कल मार्केट ऊपर खुलता है या ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है तो आपको पहले ही वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि यूएस फेड की कमेंट्री कैसी आती है, उसके हिसाब से ही हमें ट्रेड लेने का। और अगर पॉजिटिव आती है तो आपको पुट को सेल करना होगा, और अगर नेगेटिव आती है तो आपको कॉल को सेल करके ट्रेड लेना पड़ेगा, जिससे आप फायदे में रह सकते हैं अगर प्रीमियम उसका डिक्रीज होता है तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी उसकी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके अभी लिंक मे को क्लिक करिए और जाके मेरे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पे ऐड हो जाइए। कल से मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट और कॉल्स देना शुरू कर दूंगा। और अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, मेरे नए व्यूअर्स देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आपको सबसे पहले आपके मेल बॉक्स में मिल जाया करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।